सब्सक्राइब करें एजेक सपोर्ट चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हंकी जायसवाल। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मैंने एप्लीकेशन बनाई है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ऐप है ये दोस्तों। तो आपको ये प्ले स्टोर पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको क्या करना है उस लिंक पे जाना है और इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके यूज़ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे मैंने इसे बनाया है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इसे बनाना का सीखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसे बनाना है तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाल रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑल लैंग्वेज, ऑल इंडियन लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको और भी किसी तरीके की एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इतनी सारी एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से जाके देखिए ये सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो सिंपली जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए ये सर्वर से देखो लेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक आ गया है वेलकम बैक। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने मैंने इसका इंटरफेस जो है डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एडवर्टाइज लगा रखा है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यूट्यूब पे तो मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है वो इस ऐप को जो है शेयर करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इतने जो है लैंग्वेज, 8 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज डाला हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तो इतनी लैंग्वेज मैंने इसमें डाल रखी है। तो मैं दोस्तों ये आपको रिव्यू करने के लिए दे रहा हूँ, अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी इसमें मतलब डालना चाहते हैं, जैसे आप किसी और लैंग्वेज में हैं, कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज मेरे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, या फिर इस जो एप्लीकेशन है इसके जो रेटिंग बार होता है आप वहाँ पर रेट देके जो कमेंट देते हैं वहाँ पर कमेंट देके मुझे बता सकते हैं कि ये इसमें कमी है, आप मतलब इस लैंग्वेज को इसमें ऐड कीजिए, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा उस लैंग्वेज को इसमें डाल के और वहाँ पे प्ले स्टोर पर अपडेट करने की। सो उसे डाउनलोड करके आप अपडेट करके दोबारा उस लैंग्वेज का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान काम करता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हिंदी पर, तो यहाँ ऊपर देखिए कुछ एक मैंने एडवर्टाइज डाल रखा है, उसके बाद एक इंटरेस्टर ऐड खुल के आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपना टेक्स्ट जो है सर्च करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे आएगा कि आपने क्या उसका मीनिंग है, और यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, और ये जो है सर्च बार, जैसे कि आप कुछ चीज़ टाइप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूँ ये बगैर इंटरनेट के काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको इंटरनेट कंपलसरी ऑन करना पड़ेगा, वरना ये एरर दिखाएगा, ठीक है, सर्वर एरर। तो सिंपली जैसे आप यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जैसे मैं सर्च करता हूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये अपने आप इनकरेक्ट करेक्ट भी हो जाता है, ठीक है, इतना मैंने सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप जैसे लाइन वाइज सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे दे देता है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और नीचे दे देता है, इस टाइप से यहाँ पे ये इंटर बार जैसे आप इंटर करते होंगे तो उस तरीके से ये देता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो सर्च बार आपको दिख रहा है इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखिए ये यहाँ पे आ गया, मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। आप सिंपली आप यहाँ से इसे दबा के भी जैसे यहाँ पे करेक्ट या इनकरेक्ट कोई भी, जैसे ट्रांसलेशन में कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फुल करके आप यहाँ पे कट पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं ऐसे भी करके, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक बटन सिंपली दिया हुआ है, इस बटन पर जैसे आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कॉपीड आ गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका कॉपी टेक्स्ट हो गया तो आप चाहे फेसबुक, व्हाट्सअप या कहीं से मैसेज आप कर रहे हो, आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे जैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मैंने हिंदी में अपना टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, मुझे हिंदी आती है लेकिन तमिल नहीं आती है, ठीक है। तो मैं जैसे मेरे से किसी ने हिंदी में पूछा, जैसे मैं किसी से हिंदी में कोई चीज़ पूछना चाहता हूँ लेकिन उसे हिंदी नहीं आती है, उसे तमिल आती है, तो सिंपली मैं तमिल पर क्लिक करूँगा,
और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, अपने जो टेक्स्ट है यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं इस सर्च बार पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, तो मैं इस टेस्ट को कॉपी करके जो मेरा मित्र है या जो दोस्त है या कोई कुछ पूछ रहा है वहाँ फेसबुक या व्हाट्सएप पे सिंपली जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। सिंपली देखिए, जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है, मुझे हिंदी में वो चीज़ किसी से पूछना था लेकिन उसे हिंदी नहीं आती है, उसे तमिल आती है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये इसे पेस्ट करके यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो वो चीज़ देखिए बिल्कुल तमिल में यहाँ पे सेंड हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है तो इसमें वो लैंग्वेज में सर्च कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूँ, इसमें जैसे कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसमें जितनी ये आपको लैंग्वेज दिख रही है इतनी लैंग्वेज से आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जितनी लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज होती हैं, जितनी भी पूरे मतलब देश में जितनी लैंग्वेज होती हैं उन सारी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टाइप करना है और वो चीज़ जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा या किसी भी भाषा में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी तमिल में जो है सर्च किया था मुझे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे डालूँगा अपना, जैसे मुझे तमिल आती है इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे ये वर्ड जो है इंग्लिश में सर्च करना है, तो सिंपली ये जो वर्ड्स है मैं यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप थोड़ा बहुत जो है ट्रांसलेट कई बार गलतियाँ भी कर देता है तो जिस तरीके से वो साफ लिखा रहेगा उसी तरीके से वो कर देगा। तो इसी तरीके से आप सारी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, जितनी लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और यहाँ से जो है इस ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, हर जगह शेयर कर सकते हैं। वो अपना कोई सा भी आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो या कोई और हो तो वहाँ पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए YouTube का मैंने बटन दे रखा है, आपको सिंपली इस पे जैसे क्लिक करेंगे या देखिए YouTube की परमिशन मांगता है ये डायरेक्ट जो है मेरे YouTube चैनल पे चला जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे आप इसे यूज कीजिए और मतलब जो लैंग्वेज इसमें ऐड करनी हो अगर आप ज़रूरत हो तो उस लैंग्वेज के बारे में मुझे बताइए, मैं जल्दी जल्दी ऐड करने की कोशिश करूँगा और प्ले स्टोर पर अपडेट कर दूँगा। सो आप उसे अपने मोबाइल में अपडेट करके जो है यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरी उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक यानी कि यूज़फुल होगी, आप बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ को माइनस चेंज जल्दी से करके अपडेट कर दूँगा। और दोस्तों इसे अगर आप बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।